द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब इस नशे के कारोबार में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में चंडीगढ़ पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ रही है। यूं तो पुलिस आए दिन महिलाएं और पुरुष ड्रग पेडलरों को सलाखों के पीछे धकेल रही है। पुलिस आए दिन नशा तस्करों पर लगाम कस रही है, लेकिन तस्कर फिर भी नशा बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करना ही नहीं बल्कि इससे बड़ा कदम उठाया है, ताकि इसके बाद तस्कर नशा बेचने से पहले 100 बार सोचेगी। हैरानी की बात तो ये है कि ड्रग पेडलरों में महिलाएं आगे होकर नशे की खरीद फरोख्त कर रही हैं और बेच रही हैं, जिससे युवा वर्ग इस नशे की दलदल में धंसता जा रहा है। इस बात का खुलासा पहले ही पंजाब केसरी जगबानी की टीम कर चुकी है। चंडीगढ़ पूर्व SSP कुलदीप सिंह चाहल ने कहा कि नशा तस्करों की प्रॉपर्टी की जांच की जा रही है। उनके पास पहले कितनी प्रॉपर्टी थी और अब कितनी प्रॉपर्टी है। जो प्रॉपर्टी अवैध होगी उसे अटैच करवाया जाएगा। वहीं चहल ने कहा कि फिलहाल पुलिस पूनम और बाला की प्रॉपर्टी की जांच कर रही है, जिनमें काफी कुछ पता चला है और उनकी रिपोर्ट बनाकर संबंधित डिपार्टमेंट को भेज दी गई है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। अभी तक हमने सिर्फ 2 का ही किया है, एक बाला है और एक वो पूनम, दो का हमने अभी तक आइडेंटिफाई किया। हाँ, और उसमें भी उनकी कुछ प्रॉपर्टी है वो एडजॉइनिंग स्टेट में मिली है, तो हमने कंसर्न अथॉरिटी को उसके बारे में लिख के भेजी। वहीं सेक्टर 39 थाना पुलिस द्वारा पूनम और बाला दोनों महिलाएं ड्रग पेडलर नशे की सप्लाई करती कई बार पकड़ी गई और जेल जा चुकी हैं। बता दें कि चंडीगढ़ में नाबालिग भी नशे का शिकार हो चुके हैं, जिन्हें समय समय पर नशा मुक्ति केंद्र में भी एडमिट करवाया जा रहा है। पंजाब के सिटी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।